नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की सीरीज, जहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो अच्छे से देख लिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, कहां पे? आपके ही चैनल पे, जिसका नाम है मैथ्स डैडी। तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले वीडियो भी देख लिए होंगे जहां पर मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक्स की बात की है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं और इन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जिससे आपके बेसिक्स पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैंने इसी वीडियो के आखिरी में एंगल बिटवीन लाइंस भी समझाया है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन से। तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम LMN या फिर -L -M -N बोल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोल सकते हैं। और आपके डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन होता है ये होता है कि स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो आएगा आंसर 1। सिमिलरली जब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज की, तो डायरेक्शन रेशियोज कुछ और नहीं बस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। डायरेक्शन रेशियो बोल दो या फिर डायरेक्शन नंबर्स बोल दो, बात वही है। और प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो आपके डायरेक्शन कोसाइन थे LMN, उसमें कुछ भी एक नंबर या कोई भी एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे k मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा KL, KM, KN या फिर लैम्डा। मैं पूरे चैप्टर में लैम्डा यूज करूंगा, आप भी हो सके तो लैम्डा यूज करिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो a इज इक्वल टू लैम्डा l, b इज इक्वल टू लैम्डा m, c इज इक्वल टू लैम्डा n होगा। ए बी सी क्या है? ए बी सी को हम लोग प्यार से डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भैया ये लैम्डा की वैल्यू क्या है। लैम्डा की वैल्यू मतलब मैं अगर याद करने के तौर पे बोलूं, लैम्डा वो है जो हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में अगर बात करें या फिर मैं बात करूं, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल हॉल है। क्यूबॉइडल हॉल, अगर मेरे पास क्यूबॉइडल हॉल है तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दैट हॉल। तो आपको पता है कि अगर ये हॉल है मेरा पूरा, तो इस नीचे वाले वर्टेक्स से लेकर ऊपर वाले वर्टेक्स तक जो लाइन रहेगी वो सबसे लंबी रहेगी, एंड दैट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल। तो यहां पर उसी लंबे रॉड की लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, इसका ओवर रूट। तो इससे हम लोग लैम्डा भी निकाल सकते हैं, ये आपको भी लास्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। और यहां पर हम L कैसे बोलेंगे? अगर आपके पास A इज इक्वल टू लैम्डा L है तो लैम्डा यहां रह गया और A के नीचे चला गया आपका लैम्डा, मतलब L इज इक्वल टू A बाय लैम्डा। वैसे यहां पर अगर इसको नीचे भेज देंगे तो M इज इक्वल टू B बाय लैम्डा, L इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू बेसिकली क्या है? A बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M के केस में B बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहां पर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सिमिलरली जब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हैं तो, मतलब आपको कुछ और नहीं दिया, एंगल वेंगल नहीं दिया, आपको अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप बहुत आराम से जो L, M, N की वैल्यू है वो ये है x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू, एंड व्हाट आर P एंड Q? P और Q दो पॉइंट गिवन है आपको, P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है आप लोगों को। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और आप बोलेंगे PQ क्या है? PQ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जो आप निकाला है, ये आपका PQ आ जाएगा। सामने यूनिट्स भी लिख दीजिए, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सवाल हमारे सामने है जहां पर हमको दिख रहा है कि भाई एक लाइन है जो कि तीन एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो लाइन है वो एंगल थीटा या अल्फा भी बना सकता है एक्स एक्सिस से, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो आपका पाई माइनस अल्फा भी बना सकता है। तो ये साफ साफ क्लियर कर रहा है कि भाई वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन से ही बना रहा है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से ही बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल आपको अच्छी तरह पता है कि भाई एक अल्फा की वैल्यू दी है आपकी 90 डिग्री, बीटा दिया है 135 डिग्री और गामा दिया है 45 डिग्री। तो क्या निकालना है आपको? निकालना है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन्स। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला
अभी हमने देखा कि पहली बात कि हम L11 को बोलते डायरेक्शन कोसाइन, पहली चीज क्लियर हो गई। और जब आपका डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो चुका है तो अब L11 होता क्या है एंगल के टर्म्स में, जब एंगल देंगे तो L होगा आपका cos अल्फा, M होगा cos बीटा और N होगा cos गामा, राइट। अब L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका cos 90 डिग्री, M हो गया cos 135 डिग्री और N हो गया cos 45 डिग्री, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है, तो आपको पता है कि cos 90 क्या होता है, 135 को हम लिखेंगे 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45 आपको पता है कि होता है माइनस cos 45, मतलब माइनस 1/√2 और cos 45 1/√2। तो ये आपकी L, ये आपकी M, ये आपकी N, यही है आपका फाइनल आंसर, यही तो आपको चाहिए था डायरेक्शन कोसाइन, है ना इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे सवाल बोर्ड्स में आएंगे, जरूर आएंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का नया प्रावधान आ गया है बोर्ड्स में वो आपको ऐसे क्वेश्चन की याद दिलाएगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले दोस्तों, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर दिया हुआ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, बहुत ध्यान से समझिए, चीज बेसिक है पर आपको आना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, अ लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये है, तो ये बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर रहा है जैसा कि करना चाहिए हमारे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जो आपने 8, 9, 10 हर बार पढ़ा है, राइट। अब ये लाइन है एक्स वाई प्लेन पर रखी है, एक्स वाई प्लेन पर रखिए, इसका मतलब उसने क्लियर कर दिया है कि हमारा ये जो प्लेन था, मैं आपको हर बार बोलता था कि ये लाइन बाहर की तरफ उभरी हुई है। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस सिचुएशन इन विच अ लाइन इज कमिंग आउट ऑफ दिस ओरिजिन, राइट, इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस ओरिजिन, राइट। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ये लाइन ऐसी बाहर नहीं निकल रही है, ये लाइन लाई करती है एक्स वाई प्लेन पे, मतलब ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो ये आपका प्लेन पे रखी हुई है, राइट। अब ये बोल रहा है कि दिस लाइन इज मेकिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस, राइट। तो एंगल कितना बना रहा है, मैं आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं, एंगल 30 डिग्री सपोज विद द एक्स एक्सिस, राइट। अब मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, ये बोल रहा है एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो ये बना दिए 30 डिग्री, राइट। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो ये बात तो क्लियर है मेरे भाई कि अगर ये एक्स वाई प्लेन पर रखी है और अगर ये एक्स से 30 बना रही है तो वाई से 60 बनाएगी, because we know that all the axes a x e s are mutually perpendicular to each other, and if this is making 30 degree with x axis, obviously this will make 60 degree with y axis. Now next point, ki ye z ke sath kya angle banayegi, yaar aap mujhe batao ki agar ye ek plane hai pura aur ek line is pe rakhi hai, to ye z axis to iske kya ho gaya 90 degree ho gaya na, kyunki ye to x y ke sath bani hai, to ye to z bahar nikla hua puri taraf se, ab bahar nikla hua hai to ye z ke sath kya banayegi, पूरा का पूरा 90 डिग्री बनाएगी। तो आपको पता लग गया कि भाई गामा की वैल्यू क्या है 90, अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 60 एंड गामा की वैल्यू 90। आपको सिर्फ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहां पर हमको दिया गया है कि एक लाइन बनाती है आपके एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, नॉर्मल सी बात है, राइट। तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, ध्यान लगाइए बहुत ही सस्ता दो कॉर्ड का सवाल है। क्या बोल रहा है ये, यहां पर बोल रहा है आपको साइन 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 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन से रिलेटेड क्या चीज है आपके पास, आपके पास है एक रिलेशन जहां पर हम लोग बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार लिख के देखते हैं, एल एम एन की वैल्यू क्या है, बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यही तो पूछ रहा है ये, बस साइन के फॉर्म पूछ रहा है, तो कन्वर्ट दिस थिंग इन टू फॉर्म साइन, सो कन्वर्ट दिस थिंग टू फॉर्म साइन, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन उस तरफ जाएगा, ये वाला 1 इस तरफ आएगा, राइट। तो यहां पर आ गया ये, यहां पे आ गया 3 - 1 = 2 इज इक्वल टू दिस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट डाउन।
इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं, जहां पर आपको कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस टू अल्फा, कॉस टू बीटा, कॉस टू कॉमा दिया हुआ है। यू वेरी वेल नो हाउ टू कन्वर्ट दिस डबल एंगल इनटू स्क्वायर वाला फॉर्म। कॉस टू अल्फा इज व्हाट? टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। ये बात आपको पता है, और कॉस टू अल्फा को आप लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, वैसे ही यहां पर आएगा। माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या होता है आपका? माइनस थ्री, और ये उस तरफ आएगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए थी कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू कॉमा की, तो आपने पूरा निकाल लिया, राइट। अब ये आ गया पूरा आपका इस तरह से। अब आपको यहां पर इतनी वैल्यू की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, इतनी वैल्यू की जगह डालना है वन, राइट। अगर आप इतनी वैल्यू की जगह वन डाल देंगे तो क्या आएगा? टू माइनस थ्री, दैट इज माइनस वन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहां पर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल है, आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि एक लाइन है जो कि इक्वल एंगल बनाती है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ए एक्स सी एस, मतलब एक्स एक्सिस से भी वही एंगल है जो वाई एस है, और वही एंगल जेड से भी है, तो आपका इक्वल एंगल बन रहा है ये सारे के सारे एक्सिस से। तो भैया आपको ये क्लियर हो गया, जब इक्वल एंगल है तो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, राइट। जब एल एम एन बराबर है तो मैं एल एम एन क्यों लिखूं? एल 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 ही लिख देता हूं ना, या फिर माइनस एल माइनस एल माइनस एल लिख देता हूं, राइट। जब आपका सब बराबर है तो एल एम एन नहीं, माइनस एल माइनस एल और माइनस एल, तो क्या हो गया? देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू वन, यह आपका आ गया थ्री एल स्क्वायर इक्वल टू वन, और आपका एल आ गया वन बाय रूट थ्री। तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हुए? या तो ये हुए या फिर एक सेट और होगा, माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री और माइनस वन बाय रूट थ्री, तो तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब वो एक्स और वाई के साथ, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री और 45 डिग्री है, आपसे वो तीसरा एंगल मांग रहा है जो कि जेड के साथ हो, तो क्या लिखेंगे? अल्फा और बीटा की वैल्यू 60 और 45, और गामा की जगह सिर्फ गामा लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर 60 होता है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 बाय 4, तो यहां पर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी गामा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स के फॉर्म में। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट दिस डाउन। तो दोस्तों ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन, जहां पर आपको बोला गया है कि भैया फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब आपको निकालना है एल एम और एन। एल एम एन का आपको फॉर्मुला पता है चित्रा से कि एल इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा, एम इज इक्वल टू बी बाय लैम्डा, एन इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आपको यहां पर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मुला पता है कि भैया एल इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा, एन इज इक्वल टू बी बाय लैम्डा, एन इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एल एम एन की वैल्यू आपने डाल दी, बेस सेम आपको देख के समझ में आ गया कि लैम्डा की वैल्यू यहां पर 11 है, और आपने सिर्फ कंपेयर कर दिया एबीसी की वैल्यू को। एबीसी आपके आ गए माइनस नाइन माइनस और पॉजिटिव सिक्स और माइनस टू। तो दिस इज हाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन विच फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स माइनस टू फोर माइनस फाइव। यार माइनस टू फोर माइनस फाइव दिया हुआ है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट दिया है 1, 2, 3। कैसे करेंगे? आपने P से लेकर Q तक एक लाइन ड्रॉ करी, ये आपका X1, Y1, Z1 हो गया, X2, Y2, Z2 हो गया। आपको पता था कि आपके जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं, whenever two points are given, जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है, X2 minus X1 by PQ, Y2 minus Y1 by PQ, Z2 minus Z1 by PQ। आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। PQ का डिस्टेंस क्या होगा? PQ यही है, देखिए आप X2 minus X1 का होल स्क्वायर, Y2 minus Y1 का होल स्क्वायर, Z2 minus Z1 का होल स्क्वायर, जो कि आया आपका रूट 77। ये वैल्यू आपको डाली है यहां पर X2 minus X1 by PQ, तो आपने डाल दिया भाई X2 minus X1 by PQ, Y2 minus Y1 by PQ, Z2 minus Z1 by PQ। तो दिस इज हाउ वी फाइंड योर डायरेक्शन कोसाइंस। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से निकाले जा रहे हैं सवाल।
आपको बस ये जो जनरल चीजें मैंने लिखी है बार 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 हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन साथ लिखिए ताकि अच्छे से याद आ जाए, कोई भी चीज में कंफ्यूजन ना रहे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है जहां पर आपको पूछा गया है कि भैया डायरेक्शन रेशियोज अगर ये दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन रेशियोज मतलब एबीसी, ओके। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा, ओके। अच्छा आप बोल रहे हैं लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा निकल गया, डाल दो वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। जी हां, अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय। Midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.